हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल कैमोरिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। जी हां दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप आसानी से अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आप लोगों को लाइव गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके दिखाऊंगा आखिर गूगल अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। और दोस्तों आपको समय समय पे अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज भी करते रहना चाहिए ताकि दोस्तों आपका गूगल अकाउंट हैक होने से बचे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय बहुत चीज़ें हैक हो रही हैं, तो इस तरह दोस्तों अगर समय समय पे अपना पासवर्ड चेंज करते रहते हैं तो आपका अकाउंट हैक होने से बचा रहता है। और दोस्तों आपको जब भी बनाना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है ताकि लोगों को पता ना चले। दोस्तों इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आप लोगों को बता देते हैं कि अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चल दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं कि गूगल अकाउंट का अपना पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों चाहे तो अपना गूगल अकाउंट कई तरह से निकाल सकते हैं, चाहे तो प्ले स्टोर से भी निकाल सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं, सेटिंग से जाकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दोस्तों किसी एक रास्ते को चुन करके मैं आप लोग को बता देता हूँ आखिर पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना गूगल ही चुन लेता हूं। तो आप गूगल यहां पर चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे आप लोगों का फोटो दिख रहा होगा, जो भी लोगों गूगल अकाउंट पे लगाए वो यहां पे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जितना आपका यहां पर ईमेल आईडी रहेगा, जिस ईमेल आईडी का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं वो दोस्तों यहां पर ऊपर आपको दिख जाएगा। दोस्तों मान लीजिए इसी ईमेल आईडी का मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं, उसके नीचे जस्ट मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्लिक कर देना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैनेज योर गूगल अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गूगल अकाउंट का जो भी यहाँ पे प्रोफाइल खुल चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो लोगो यहाँ पे जो है होम पे है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल इन्फो है, उसके बाद दोस्तों डाटा प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, उसके बाद दोस्तों ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका ईमेल आईडी भी शो कर रहा होगा। तो दोस्तों आपको कुछ चीज़ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी दोस्तों यहाँ पे किसी को छेड़ नहीं करना। दोस्तों आपको केवल पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको सिंपली पर्सनल इन्फो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों पर्सनल इन्फो पे क्लिक करते उसके बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, यहाँ पे जेंडर दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट चेंज जो मैं किया हूँ यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है। दोस्तों हमको करना क्या है, तो पासवर्ड चेंज करना है। तो चेंज पासवर्ड करने के लिए आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो भी है नेक्स्ट प्रोसेस खुलेगा। जो भी खुलेगा दोस्तों आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखा रहा हूं ताकि दोस्तों आपको एक भी बात यहां पे दिक्कत की ना हो। यहां पे देख सकते हो दोस्तों आपका जो भी यहां पे खुल चुका है नेक्स्ट प्रोसेस, यहां पे आपका नाम यहां पे हाई करके खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपका जो भी है गूगल अकाउंट का यहां पे जीमेल दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पे लिख रहा है कि टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई इट्स योर। दोस्तों अगर आप ये आपका अकाउंट है तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। चल दोस्तों हम अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम अपना ओल्ड पासवर्ड डाल दें। उसके बाद दोस्तों अगर इस पासवर्ड को आप देखना चाहते हैं तो शो पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पासवर्ड भी दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद दोस्तों आपका जो भी है नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा और दोस्तों वहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप दोस्तों खुल चुका है। उसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया कि आपको यहाँ पर लिखा है चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है ताकि किसी को पता ना चले। और दोस्तों अदर अकाउंट का यहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं डालना, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि आपका जो पासवर्ड होना चाहिए 8 अंकों का होना चाहिए। दोस्तों आपका पासवर्ड 8 अंक से कम का नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है जब भी डालना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है कुछ 1-2 नंबर का अक्षर हो, कुछ ABCD का अक्षर हो, कुछ स्पेशल करेक्टर यानी $ ऐसा करके स्पेशल करेक्टर, तब यहाँ पे आपका पासवर्ड मैच करेगा। चलो दोस्तों मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। चलिए जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एरो दिखाया हूँ वहाँ पे आपको ध्यान देखना है। चलिए यहाँ
पे मैं अपना पासवर्ड आप लोगों के सामने लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे कुछ डालता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो भी अक्षर हैं यहाँ पे मैं डालता हूँ, वहाँ पे देख सकते दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं डाल दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे देख सकते स्ट्रॉन्ग लिख दिया। दोस्तों जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं लिखेगा तब तक दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। देख सकते हैं मैं कैसा पासवर्ड डाला हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ABCD के कुछ अक्षर हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। तो दोस्तों ऐसे करके आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, तब जाके आपका पासवर्ड अच्छे से लेगा। और दोस्तों यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग लिख देगा तब दोस्तों यहाँ पे आपका पासवर्ड सही होता है। उसके बाद दोस्तों ये पासवर्ड आप डाल दिए, लेकिन दोस्तों यही वाला पासवर्ड यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड करके डाल देना है। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। चल दोस्तों हम अपना पासवर्ड सब कुछ कर देते हैं। और दोस्तों मैं ये भी बता दिया हूँ कि अपना पासवर्ड देखने के लिए आई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड दिया जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही आपको पासवर्ड डालना है। तो चलिए दोस्तों जो भी था मैं आप लोगों को बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं आपको बताया समझ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपका नहीं पासवर्ड चेंज हो रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।